आई लव यू खान भाई, मैं प्यार करती हूँ खान से, मिलना चाहती हूँ उससे, देखना चाहती हूँ उसको, पास से देखूंगी तो बजरा। वो तेरे संग यारा, खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी, मैं सरद सितारा, वो तेरे संग यारा। आई लव यू खान साहब, देख रहे हैं सब, अगर ये सब में आपको काश काश देख लें, लव यू खान साहब, बस जो तू कर ले इशारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। बहुत तैयार हो क्या आज बैठी हुई आप? हाँ लग रहा है कैसे अभी जो माहौल बना हुआ है तो उसी साथ हम यहाँ आज थोड़ी चिल मारने आए थे, कुछ बाहर निकल के चाय शाय पीने, पॉलिटिकल एक्टिविटी से हटकर, और हमने पकड़ लिया यहाँ भी, तो ये सारा कुछ हुआ है। तो क्या कहेंगे अभी जो माहौल बना हुआ है सारा, पीटीआई से रिलेटेड या पीपल्स पार्टी से रिलेटेड, कल जो इन्होंने जलसा किया है? नहीं, पीपल्स पार्टी को तो मेरे ख्याल में हमें, मैं तो इतना भी नहीं समझती कि मैं उसको डिस्कस करूँ ना, तो वो जो बिल्लो रानी ने जो कल जलसा किया और उसमें जितनी रानियाँ आईं, तो उसको ना ही डिस्कस करें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन हाँ, पीटीआई को लेकर हम बड़े मोटिवेटेड हैं और बड़े जो है वो होपफुल हैं, और ये तो खैर सारा पाकिस्तान आपको दिख रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, बैरून मुल्क, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मतलब जहाँ जहाँ मुसलमान और हमारे जो पाकिस्तानी लोग या भाई मौजूद हैं, वो इस वक्त इमरान खान के साथ हैं, क्योंकि इमरान खान हक पर है, क्योंकि इमरान खान सच पर है, इमरान खान मुल्क के मफाद के साथ है, मुल्क की खुद मुख्तारी के साथ है, सो हम उसके साथ हैं। तो अभी मतलब लॉन्ग मार्च कब तक स्टार्ट है, कुछ आइडिया? देखिए 20 में हमारा लास्ट मुल्तान में हमारा जलसा है, और उसके फौरन बाद ही जो है इंशाल्लाह जो है वो धरने की कॉल जो है वो अनाउंस होगी, और अगर ये कॉल अनाउंस हो गई और यहाँ से लोग निकल पड़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो धरना है या ये जो मार्च है ये हो पाएगी। आई थिंक सो कि हम उससे पहले ही जो हमारी अप्रोच है फौरी इलेक्शन, तो हम फौरी इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। इलेक्शन का तो आज मेरे ख्याल उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हम असेंबली वगैरह डिसॉल्व करेंगे, और तो देखिए ना बुरी तरह फंस चुके हैं ना, उन्हें तो जरदारी बीमारी जो है उन्होंने बड़ी बुरी तरह उलझा दिया है, और जो मलबा ये लोग खान पर डाल रहे थे या खान पर डालना चाह रहे थे, वो ऑटोमेटिकली अल्लाह की इतनी करम नवाजी है या खान की कौन सी नेकी, या आप क्या कह लें कि वो काम आ गई इस वक्त कि खान को तो अल्लाह ने इतनी ज़्यादा इज्जत से नवाज दिया कि जो ग्राफ उसका 7 पर था वो 100 से अबव हो गया है, इतना वो पॉपुलर और इतनी अल्लाह ने उसको इज्जत नवाज दी है। तो ये तो उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी या वो कुल्हाड़ी पर खुद कूद गए और अब वो बुरी तरह फंस गए। इसके अलावा उनके पास कोई मेरे ख्याल में ऑप्शन अब कोई है नहीं, या तो फौरी इलेक्शन, असेंबली डिसॉल्व, या जो भी वो करना चाहें, बाकी फैसले तो यहाँ हो नहीं रहे, आपको पता है फैसले कहाँ बैठकर हो रहे हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं। तो अगर गिरफ्तारियाँ होती हैं तो फिर आप लोग तैयार हैं? मतलब गिरफ्तारियाँ किस तरह स्पेसिफ़िकली मुझे बताओ ना कि गिरफ्तारियाँ, ये तो हर जगह छप रहा है, मीडिया पर आ रहा है गिरफ्तारियाँ होंगी और हर्डल्स आएंगे, तो आप क्या करेंगे? एक खातून होने के नाते मुझसे पूछो कि मैं क्या करूँगी ना, कि मुझे आप बताएं आप, हाँ मैं क्या करूँगी, तो मैं सबसे पहले जो है चूड़ियों की जगह हथकड़ियाँ पहन लूँगी, बस और क्या करूँगी। मतलब तैयार हैं, मतलब खान के लिए हाँ ये चूड़ियाँ, हाँ मैंने भी आपसे कहा था कि मैं पहनती नहीं हूँ, इत्तेफाक से आज मैंने पहनी भी है, तो ये मैं उतार दूँगी और हथकड़ी पहन लूँगी। और खान साहब के लिए क्या? खान साहब के लिए पहनूँगी ना, आई लव यू खान भाई, मैं प्यार करती हूँ खान से, मिलना चाहती हूँ उससे, देखना चाहती हूँ उसको, देखा तो बहुत बार है, ज़रा दूर से देखा है, पास से देखूंगी तो बजरा। तो हमारे चैनल वाइस टीवी यूके के जरिए आप खान साहब को कोई अहम पैगाम देना चाह रहे हैं? आई लव यू खान साहब, देख रहे हैं इस वक्त, अगर ये सब आपको काश काश देख लें, लव यू खान साहब, बस वो तेरे संग यारा, खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी, मैं सरद सितारा, वो तेरे संग I love you, खान साहब, देख रहे हैं सब, अगर ये सब में आपको काश काश देख लें, लव यू खान साहब, बस जो तू कर ले इशारा।